एवं जनम निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनुयः प्रपतनो प्रसंज्ञात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिन भगवान् गृहीतः सो अहम् कथम् नु विसृज्य तवभीतसेवम् एवं जनम निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनु यः प्रपतनो प्रसंज्ञात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिन भगवान् गृहीतः स्वहं कथम् नु विसृज्य तवभीतसेवम् गौरी गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत प्रभुपा परमहंस जगत गुरु जी ने बताए गुरु वैष्णव का सेवा एकमात्र रास्ता है। शुद्ध गुरु वैष्णव का सेवा एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा माया का बंधन से छुटकारा मिल सकता है। गौरी गोष्ठीपति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताएं जिन लोगों का जिंदगी में परमहंस गुरु वैष्णव का चरण में निरंतर सेवा वृत्ति का परिस्फुटन नहीं हुआ, ये लोगों का संग जितना ही मीठा लगे ये संग बिल्कुल परित्यय करना है। परमहंस गुरु वैष्णव का चरण में जिन लोगों का निरंतर सेवा वृत्ति का परिस्फुटन नहीं हो पाया, तो बात कहते थे इन लोगों का संग जितना ही अच्छा लगे ना क्यों ये संग त्याग करना है। ये संग त्याग करना चाहे मेरा भाई हो, पिता हो, स्वामी हो, स्त्री हो, लड़का हो, त्याग करना। चैतन्य विमुख जनों का संग हर हालत में त्याग करना है। चैतन्य विमुख निजो जने जानी पर भक्तिमंत ठाकुर चैतन्य विमुख निजो जने जानी पर चैतन्य विमुख होने से अपना भाई बंधु पिता माता लड़का कुछ भी हो इनको पढ़ाई ज्ञान वो कोई अपना कोई नहीं है श्री चैतन्य विमुख निजो जने जानी पर क्योंकि ये लोग भगवान का विमुख है, खिलाफ है। अब कोई प्रश्न आए कौन गौरंगमा पर खिलाफ है कौन नहीं है वो कैसे समझा जाएगा, कौन गौरंगमा पर का खिलाफ है कौन खिलाफ नहीं है अनुकूल है कैसे समझा जाएगा, कैसे हम समझे। हर आदमी तो सन्यास का बेस लिया, ब्रह्मचारी या तिलक माला सब कुछ है, कैसे हम समझे, कैसे समझेगा कि ये लोग विमुख हैं। इसका उत्तर पोपा जी ने दिया है। पोपा जी ने बताया, ध्यान से देखना, ध्यान से ख्याल करना, ध्यान से देखना, ये लोग जो लोग शुद्ध गुरु वैष्णव का आचार आदर्श सिद्धांतों के खिलाफ है वो लोग विमुख है। बाहरी विचार में बड़ा मीठा बात करते हैं, महाराज बहुत मीठा बात करता है, बहुत, इसका नाम है मीठा छुरी, मीठा छुरी से काट देगा। ये लोग का यही है और कुछ नहीं है ना, ना तो सिद्धांत तो कहना है, ना तो भजन है, कुछ नहीं है, सिर्फ मीठा बात। दिस इज द मिसाइल विद देम, एक ही अस्त्र है मीठा बात और कुछ नहीं।
और कोई नहीं, कुछ नहीं। प्रभुपाद कह रहे हैं चैतन्य विमुख व्यक्ति को समझने का तरीका क्या है। भगवत विमुख चैतन्य विमुख व्यक्ति का सिम्टम क्या है, कैसे समझे। प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं ध्यान से देखना, प्रभुपाद कहते हैं ध्यान से देखना, इसका आचार आचरण सिद्धांत तो गुरु वैष्णव का शुद्ध आचार आचरण का खिलाफ है। ये लोग खिलाफ है, बाहर में मीठा बात है, तब समझ लेना ये लोग विमुख है, उन्मुख नहीं। श्री चैतन्य विमुख निजोजन यानी फोन। श्री चैतन्य महाप्रभु क्या वस्तु है, परात्पर अखिलेश्वर क्या वस्तु है, समझने के लिए, समझने के लिए हर हालत में, ये समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु क्या वस्तु है, श्री चैतन्य महाप्रभु क्या अप्राकृत वस्तु है, ये समझने के लिए हर हालत में आपको असत्संग त्याग करना है, कैसा भी हो असत्संग त्याग करना है। क्यों? ये लोग भजन का पुष्टिदायक सब कुछ खा लेता है। जैसे बहुत अच्छा भोजन करने वाले आदमी हैं, लेकिन एक तो शरीर में कुछ नहीं हो रहा उन्नति, बहुत अच्छा खाने वाले आदमी हैं, लेकिन इसको उसको जानकारी नहीं है, उसका पेट का अंदर कृमि है, कृमि कृमि अंतो है टेप किमी किमि किमि रहता है। वो खाना का जितना अच्छा भोजन करो, भोजन का पुष्टिदायक जो रस है वो खा लेता है, शरीर का जो पुष्टिदायक वस्तु है, जो शरीर में एसिमिलेश शरीर में खाद्य शरीर में खाद्य खबर का एसिमिलेशन का बाद जो शरीर में पुष्टि देने के लिए शरीर का अंदर में जाएगा, वो जाने नहीं देता, वो खा लेता है। प्रभुपाद कहते हैं शरीर का जितना पुष्टिदायक खाना, पुष्टिदायक विटामिन मिनरल है, सारांश है, वाइटल्स है, वाइटामिन्स है, सब ये कृमि कृमि किट खा लेता है, बस शरीर पुष्टिदायक है। इसलिए वो बात कह रहे हैं ये लोगों का संग हर हालत में त्याग करना है, क्योंकि ये भजन करने नहीं देंगे, भजन का वाइटल्स दे कैन ईट अप, और आपको पारमार्थिक राज्यों का भिखारी बना देगा, आपको पारमार्थिक राज्यों का एक बेगर भिखारी बना देगा, और कोई रास्ता नहीं। गुरु वैष्णव का अनुगत्य में, शुद्ध गुरु वैष्णव का अनुगत्य में भजन करना जरूरी है। यद्यपि शुरुआत में भजन होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आत्मसमर्पण होना जरूरी है। आत्मसमर्पण नहीं होने से 100% आत्मसमर्पण नहीं होने से आपका साधन भक्ति शुरुआत होना मुश्किल है। जो श्लोक देकर शुरुआत किया था, जो श्लोक देकर शुरुआत किया था, उस श्लोक में क्या बताया था, एवं जनम निपतितम प्रभवाहि कूपे कामाभिकाम मनु यः प्रपतनो प्रसंज्ञा कृत्वात्मसात् सुरर्षिना भगवान् गृहीतः स्वहं कथम विसृज्य तवभीत्वसेवम्। ये प्रह्लाद महाराज जी का प्रवचन है। प्रह्लाद महाराज जी कह रहे हैं हे भगवान, एक के बाद एक, एक के बाद दूसरा, जड़ वासना, जड़ वासना कामना के प्रभाव के द्वारा मैं साधारण मनु साधारण मनुष्यों का अनुसरण करके मैं एक कुएं में गिर गया, एक अंधा कुओं में गिर गया, मैं एक अंधा कुआ में गिर गया,
जहां सांपों की ढेर लगे हुए हैं, पूरा सांप अंधा कुआ है, ब्लाइंड वेल फुल ऑफ स्नैक्स। मैं यहां गिर गया, अब जीने का सहारा नहीं है, कैसे जीऊं? लेकिन आपका आपका जो सेवक है, नित्य सेवक नारद जी महाराज, आपका जो नित्य सेवक नारद जी महाराज कृपा करके हमको अपना शिष्य बना लिया, कृपा करके, ये तो इनकी मेहरबानी है, इन्होंने कृपा करके मेरे को शिष्य बनाया, चरण में स्थान दिया, एवं दिव्य स्थिति प्राप्त होने के नाते हमको शिक्षा भी दान किया, शिक्षा दिया। सिर्फ दीक्षा होने से होता नहीं, आजकल का जमाने में दीक्षा कानों में फुक्कार फू फू कानों में फू दे के छोड़ देता, ये दीक्षा नहीं, दीक्षा का बहुत गहरा किया, जो भी है छोड़ो अभी। तो कह रहे हैं हमको शिक्षा भी दिए, तो हमारा पहला कर्तव्य है इनके सेवा करना, गुरु सेवा। इनके सेवा में कैसे त्याग कर सकता हूं, कभी भी त्याग नहीं कर सकता। एवं जनम निपतितम प्रभु वाही कूपे कामाभिकाम मनु यह प्रपतनो प्रसंज्ञा कृत्वात्मसात सुरर्षिना भगवान गृहीत सो अहम कथम नु विसृज्य तव अभिहित सेवम। गुरु वैष्णव का अनुगत्व में ही भजन होता है, अपना मनमानी कभी भजन नहीं बनते, भजन नहीं होता। पोपात कहते हैं साधनों क्रिया और साधनों भक्ति कभी भी एक नहीं है, साधनों क्रिया और साधन भक्ति कभी भी एक नहीं है, एक जैसा लगता है, एक जैसा तो लगता है लेकिन बिल्कुल एक नहीं, एक जैसा तो लगता है, साधनों क्रिया एवं साधन भक्ति एक जैसा लगता है लेकिन बिल्कुल एक नहीं। साधनों क्रिया आत्मा का ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता, साधनों क्रिया आत्मा का ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। साधनों क्रिया कैन गेट कन्फाइंड विद दिस ग्रॉस बॉडी एंड फाइन बॉडी, आई मीन माइंड इंटेलेक्ट एवरीथिंग, इनके आत्मा का ऊपर कोई असर, आत्मा का ऊपर कोई असर नहीं फेंक सकता। और साधनक क्रिया क्या कर सकता ना, साधनक क्रिया चिदाभास मन का ऊपर, साधनक क्रिया चिदाभास मन का भूमिका में अवस्थित होता है। क्या बोला? साधनक क्रिया चिदाभास मन का भूमिका में रहता है, कालाधीन, काल महाकाल का अधीन, हरि वैमुख नाशिनी साधन क्रिया और नित्य साधन भक्ति में प्रकार भेद है। आम आदमी बिल्कुल समझ नहीं पाते, जो सब भक्ति अंग, जो सब भक्त्यांगो जाजन के द्वारा अनर्थ निवृत्ति करने का प्रयास प्रचेष्टा होता है, इसका नाम साधन क्रिया।
आई बात समझ में। इसका नाम है साधन क्रिया। क्या बताया? जो सब भक्ति अंगों, जो सब भक्ति अंगों के द्वारा, जाजन के द्वारा अनर्थ निवृत्ति करने का प्रयास प्रचेष्टा चलता है, इसका नाम है साधन क्रिया। अनर्थ निवृत्ति होने के बाद सेवा वृत्ति का उन्मेष होता है। अनर्थ निवृत्ति होने के बाद सेवा वृत्ति का उन्मेष होता है। शुद्ध भक्ति जब शुरू होता है, शुद्ध भक्ति व साधन भक्ति इस अनर्थ जाने के बाद विकसित होता है। साधन क्रिया आत्मा को ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता है। साधन क्रिया आत्मा को ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता है, किंतु साधन भक्ति आत्मा का भूमिका में नित्य क्रियावती। साधन भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति शुरू हो गया, अनर्थ चला गया। साधन भक्ति के बाद भाव भक्ति, उसका बाद प्रेम भक्ति। तो साधन भक्ति आत्मा का भूमिका में, साधन भक्ति आत्मा का भूमिका में नित्य क्रियावती। चिराभास मन के ऊपर साधन क्रिया प्रयुक्त होता है। आत्मा का ऊपर साधन क्रिया कभी भी प्रयुक्त हो नहीं सकता। आत्मधर्मों आत्मा का वृत्ति व स्वभाव, इसका नाम है भक्ति। जो प्रभुपाद जी अक्सर बताते थे, भक्ति इज द नेचुरल फंक्शन ऑफ योर सोल, भक्ति इज द नेचुरल फंक्शन ऑफ योर सोल। आत्मा को ऊपर साधन क्रिया कभी भी प्रयुक्त नहीं हो सकता। आत्मधर्म भक्ति आत्मा का वृत्ति व स्वभाव होता है भक्ति। आत्मधर्म व आत्मा का वृत्ति व स्वभाव, इसका नाम है भक्ति। प्रभुपाद जी अक्सर बताया करते थे, भक्ति इज अ नेचुरल फंक्शन ऑफ योर सोल। साधन आदि के द्वारा जो कुछ सब मनोनिग्रह, मन को कंट्रोलिंग में लाने का व्यवस्था, साधन आदि जो कुछ सब मन की निग्रह करने के लिए व्यवहार होता है, मनोधर्म जब खत्म हो जाता है, मनोधर्म निगृहित होने से, मनोधर्म खत्म होने से आत्मवृत्ति का विकास होता है। आत्मवृत्ति में साधन भक्ति प्रकाशित होने से जीव ग्रेजुअली भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के ऊपर चढ़ सकता है, अतः आरूढ़ हो सकता है भाव भक्ति व प्रेम भक्ति। साधन भक्ति का परिपक्व अवस्था को ही ग्रेजुअली भाव भक्ति और प्रेम भक्ति प्रकाश कर देता है। जैसे एक आम का फल एक कच्चा अवस्था में और एक पक्का अवस्था में, दोनों में भी एक ही है, आम तो आम ही है, लेकिन साधन क्रिया वैसा किस्म का वस्तु नहीं है। साधन क्रिया अपना जड़ शरीर मन शरीर का ऊपर क्रियावृत्ति। साधन भक्ति और साधन क्रिया परस्पर संबंधों भेद समझने में असमर्थ होने से बड़ा गंडगोल सृष्टि हो जाएगा। त
तमाम दुनिया में ऐसे ही चल रहे। प्रभुपाद बहुत बार ये बात बताया, हे महोदयगण, प्रभुपाद कहते अक्सर कहते थे, प्रभुपाद अक्सर कहते थे हो महोदयगण, कृपा करके आप लोग साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति का अंदर में क्या डिफरेंस है, पार्थक्य है, ये समझने का कोशिश करें। अगर ना करें तो देयर विल बी ऑन ग्रेट कन्फ्यूशन। आज हमारा भक्ति समाज में एक बड़ा सा कन्फ्यूशन पैदा हुआ, हंगामा चारों ओर, कौन किसको भक्ति सिखाएगा, सब रागानुगा भक्ति में प्रतिष्ठित है। हम लोग सब एक एक राजा है, हमरा सबाई राजा, हमारे राजा राजोत्रे, हम लोग हर व्यक्ति राजा है, तो किसका माने हम, ऐसा हालत पैदा हो गया, ऐसा हालत पैदा हो गया। पोपाजी अक्सर कहते थे, हो महोदयगण कृपया साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति का अंदर में जो बेसिक डिफरेंस है, पार्थक्य है, ये समझने का कृपया कोशिश करें, नहीं तो एक बड़ा कन्फ्यूशन पैदा होके आपको भजन से फेंक सकता है, आपको भजन से फेंक सकता है। काल श्री ब्रह्म संगीता ब्रह्मा जी महाराज के द्वारा दिया गया ये ब्रह्म संगीता, इसमें काल अंतिम पराब में चर्चा हो रहा था, आनंद चिन्मय रसात्मोत्तया मनसु य प्राणीनां प्रतिफलं स्मरताम उपेत्तो लीलाई तेन भुवनानि जयते यजस्रम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अर्थात जो गोविंद आनंद चिन्मय रस स्वरूप में स्मरणकारी प्राणी अर्थात जीवगणों का मन का अंदर, मन में प्राणियों गणों का मन में प्रतिफलित होकर निजा अपना लीला चेष्टादि के द्वारा निरंतर भुवन विजयी सराट पुरुष, इसका बारे में ब्रह्मा जी भी बताया। भगवान का नाम है अजीत, हर वक्त भगवान अजीत भगवान का नाम, जिसको जीता नहीं जाए लेकिन भगवान को जीता जाए, लिखा है अजीतोपी जीतोपी अशिष्टो स्त्रीलोक्याम, ये तो प्रमाण है। भगवान का नाम, यद्यपि भगवान का नाम अजीत है, फिर भी भगवान जीतो हो जाता है, तब अपने पराजित होके भक्तों का अधीन हो जाता है। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इवो दिजो, अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र इवो, अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इवो दिजो, भगवान का ये प्रयास है। तो जो प्राणी क्यों बोला, कि प्राणी इसलिए बोला सिर्फ आदमी नहीं, जांबवान भल्लू का रूप में सुग्रीव बाली ऐ सुग्रीव अंग सारे ये सब जो है बाहरी विचार में तो ये सब पशु जोनी में है ना, बेनुगीता में आता है छोटे से चिड़िया पंछी, ये भी भगवान का वंशित ध्वनि सुन के झूमने लगे और बच्चिया इतना छोटा स्तनों पर कबला अपना कान को खड़ा करके
जैसे जैसे गिलास में रस पी रहा है, पी रही है बछिया, कान को खड़ा करके भगवान का वंशी ध्वनि को श्रवण कर रहे हैं। गजेंद्र का बात पकड़ो, हिरण का रूप में भरत जी महाराज हिरण रूप धारण करके पैदा हुआ, सारे सब है। तो जिनी जो गोविंद भगवान जिनी आनंद चिन्मय रस स्वरूप में स्मरणकारी, मतलब जो लोग स्मरण करते हैं भगवान को, स्मरणकारी प्राणी गणों का मन में प्रतिफलित होकर अपना निजी लीला चेष्टा की चेष्टादि के द्वारा निरंतर भुवन विजय करके प्रतिष्ठित है, वही आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन करता हूं। आनंद चिन्मय रसात्मतया मनसु यह प्राणिनाम प्रतिफलं स्मरतम उपेत्तो लीलायितेन भुवनानि जयति अजस्रम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मतलब जो लोग सदगुरु वैष्णव का उपदेश लेकर निरंतर उन्नत उज्जवल उज्जवल रसगतो कृष्ण का मनमथो मन को मंथन करने वाले, मन को हमारा मन को मंथन करने वाले कृष्ण का ये मनमथो मूर्ति संबंधियों नाम रूप गुण लीला स्मरण करते रहते हैं, ये लोग ही स्मरण कार्य। एलू का चित्तों में धाम और लीलामय कृष्ण उदित होता है। यही उदित धामगत लीला जड़ जगत का सारे ऐश्वर्य माधुर्य को सर्वत रूप में हर हालत में जय कर लेता है। यही जो उदित धामगत लीला भगवान का, यही तो उदित धामगत लीला भगवान का, ये जो अंतर में किसी का अगर उदय हो तो जड़ जगत का तमाम ऐश्वर्य माधुर्य को सर्वत रूप में पराजित करकर अर्थात विजयी होकर विराजमान होते हैं। इसका बारे में काल चर्चा हो पाया और आज 43 नंबर श्लोक में लिखा हुआ है, जो काल थोड़ा शुरुआत भी किया था, गोलोक नामनी निजधामनी तले चतस्यो देवी महेश हरिधामसु तेषु तेषु तेते प्रभाव निचया विहितास्य जेनो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। क्या बताया? गोलोक नामनी निजधामनी तले चतस्यो देवी महेश हरिधामसु तेषु तेषु तेते प्रभाव निचया विहितास्य जेनो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ये कुछ नहीं है विन्यास स्ट्रैटेजी। ये जो देवी धाम का ऊपर महेश धाम है, इसके ऊपर हरिधाम, इसके ऊपर गोलोक धाम नमा निजो धाम, उसी धाम में उसी प्रभाव शकल जो भगवान विधान किया है, विधान यही आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन कर रहा हूं। देवी धाम
उसका ऊपर महेश धाम, उसका ऊपर हरिधाम, आ सबसे ऊपर गोलोक धाम विराजमान है, निजो धाम। उसी उसी धाम में उसी उसी प्रभाव सकल जो विधान करके विराजमान है वही आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। तात्पर्य ये है कि सबसे ऊपर अवस्थित हो गोलोक धाम। तात्पर्य ये है सबके ऊपर गोलोक धाम है और ब्रह्मा जी महाराज सत्यलोक में विराजमान होते हुए ऊपर में ऊपर का ओर आंखों डाल के कह रहे हैं, देखो करे ब्रह्मा जी ऊपर में नजर डाल के अपना अवस्थित भूमि से अवान्तर धामगुलू बोलते थे। पहले है अवान्तर, क्यों ऐसा शब्द यूज किया अवान्तर? अवान्तर बोले अनवांटेड, अवान्तर अनवांटेड अनयूजुअल क्यों बोला? क्योंकि ये सब धाम का साथ आत्मा का कोई संबंध है नहीं, सब इस जगत का है, इसलिए अवान्तर बोला है। ये सब अवान्तर धाम के साथ, पहले देवी धाम, ये जड़ जगत जहां हम लोग विराजमान हैं, जड़ जगत, इसके बाद सत्यलोक, तो अंतिम में ये सारे जगत सत्यलोक इत्यादि 14 लोक भूर्भुव स्व मह यन तप सत्यो इत्यादि अतल वितल तो अतल असतल पातल फल से धीरे धीरे नीचे ये सब है। सो ब्रह्मा ऊपर अपना आंखें डालकर देखकर बता रहे हैं अपना अवस्थित भूमि से और अवान्तर धाम, धाम मतलब तेज, धाम मतलब अवस्थान, पहले देवी धाम, ये जलजगत जड़ जगत, इसमें सत्यलोक पवित्र 14 लोक है, तदुपरि शिव धाम अर्थात सत्यलोक पार होकर एक ब्रह्म ज्योति मिलेगा, जद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम जो बताया था काल, इसके बाद इसके बंधन छोड़कर फिर ऊपर जाना है, जाने से सदाशिव लोक मिलेगा, सदाशिव लोक। इसका नाम शिव धाम, सदाशिव धाम। यही धाम महाकाल धाम नाम में एकांश में अंधकारमय और उसी अंश भेद करके महाआलोकमय सदाशिव लोक विराजमान होता है, रहता है। इसके ऊपर हरिधाम अर्थात चीज जगत वैकुंठ लोक, यद्यपि सदाशिव लोग भी, सदाशिव लोग भी वैकुंठ का अंदर अंतर्गत ही है, सदाशिव लोग इस वैकुंठ लोग जरूर, फिर भी विशेष करके चिन्मय जो जहां नारायण विष्णु राम बड़ा हो निशिंग साहब रहता है ना, तो इसीलिए ऐसा बताया गया। और इसके थोड़ा ऊपर ये हरिधाम
अतः चित जगत वैकुंठ लोक। देवी धाम का, देवी धाम का अंदर माया वैभव रूप प्रभाव एवं शिव धाम का काल और द्रव्यमय भो प्रभाव तथा विभिन्न अंशो गतो सांशो भाषमय प्रभाव, किंतु हरिधाम का चिदैश्वर्य प्रभाव एवं गोलोक का सर्वैश्वर्य निराशकारी महामाधुर्य भाव, ये तमाम प्रभाव निचाय उसी उसी धाम में गोविंदो ही साक्षात गौनो विक्रम के द्वारा अपना प्रभाव के द्वारा विहित करके रखा है। गोलोको नामनी निज धामनि चलित तस्सु देवी महेशो हरिधामसु ते तेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया भीतस्य जेनो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। गोलोको नामनी निज धामनि चले चतस्यो देवी महेशो हरिधामसु तेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया भीतस्य जेनो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ये सब व्याख्या हुआ है विन्यास, यह विन्यास यह है विन्यास कैसे कैसे गोलोक धाम का नीचे 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 नीचे, ऐसे तो देवी धाम, देवी धाम का अंदर अगर सोचो तो ब्रह्मा से लेकर पाताल तलातल सुतल सब ये 14 भुवन पूरा देवी का। इसलिए भगवान गीता में बताया आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ति न अर्जुन, आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ति न अर्जुन, हे अर्जुन ब्रह्मा से लेकर चेटी तक सारे चक्का काट रहा है, चक्का चक्का माया देवी का चक्का काट रहा है, इसका कोई समाधान नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि मातृ जठरे शयनम, ये चल रहा है जन्म मरण का चक्का चल रहा है। गोलको नामनी निज धामनि तले चतस्यो देवी महेश हरिधामसु तेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया भीतश्च जेनो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। गोलको नामनी निज धामनि तले चतस्यो देवी महेश हरिधामसु तेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया भीतश्च जेनो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो फिर देवी धाम में माया वैभव रूप प्रभाव और शिव धाम में काल और दुब्ब रूप भो प्रभाव, क्योंकि आप जानते ही होंगे इस सृष्टि का लिए निमित्त कारण और उपादान कारण, निमित्त कारण में भगवान का दृष्टि माया का गर्भ में जिनके द्वारा सारे पूर्व कल्प का असंख्य जीव माया का गर्भ में आ जाता है, इसका नाम है निमित्त। उपादान कारण में आता है महत्व तत्व जो सदाशिव से आए हुए वस्तु, सो देवी धाम का माया वैभव रूप प्रभाव और शिव धाम का महाकाल और कालमय समय काल और द्रव्यमय बहु प्रभाव ये रहता ही है, तथा विभिन्न अंशों को तो सांश भाषमय प्रभाव, किंतु हरिधाम का चिदैश्वर्य प्रभाव और गोलोक धाम का सर्वैश्वर्य निराशकारी तमाम ऐश्वर्य को फीका बना देगा। गोलोक में सर्वैश्वर्य सर्वैश्वर्य निराशकारी महामाधुर्य प्रभाव,
गोलोक धाम में ऐश्वर्य नहीं है ऐसा नहीं, क्योंकि गोलोक धाम का विशेष ये है कि तमाम ऐश्वर्य को ढक्कन दे देता माधुर्य इज द प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर। ऐश्वर्य को एकदम फीका बना के माधुर्य अपना स्थान बना लेता है हर हालत में। विभिन्न अंशों में सब जीव सब आता है, सांश में भगवान का जितना सारे है सब सांश है। बाकी यहां तक कि कोई जीव किसी कल्पों में अगर कोई सुटेबल जीव मिले सुटेबल वो ब्रह्मा का पद ले सकता है शंकर का पद ले सकता है, तो ये देखने में लगेगा कि सांश का मापिक, लेकिन सदाशिव जो है ये सांश। तो हरिधाम में चिदैश्वर्य प्रभाव और गोलोक में शैवर सर्व ऐश्वर्य निराशकारी फीका बनाने वाले महामाधुर्य प्रभाव विराजमान रहता है। ये समस्त प्रभाव निचा है, उसी उसी धाम में गोविंद ही साक्षात और गौण विक्रम के द्वारा विधान करता है, वो गोविंद ही करता है साक्षात रूप में या गौण रूप में। गोलको नामनी निज धामनी तले चतस्यो देवी महेश हरि धामसु तेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया भीतश्च जेनो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये नियम है, इसके बाद जो श्लोक अक्सर मैं बोलते रहता हूं देवी का प्रभाव, इनके बारे में कही गई क्या है, सृष्टि स्थिति प्रलय सदन शक्ति रेखा छैव जस्व भुवनान विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि जसो चेष्टशेषा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। सृष्टि स्थिति प्रलय सदन शक्ति रेखा छैव जस्व भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि जसो चेष्टशेषा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये हलो ये श्लोक सृष्टि स्थिति प्रलय, भगवान का स्वरूप शक्ति ही शक्ति, भगवान का स्वरूप शक्ति का बाहर भगवान का स्वरूप शक्ति का बाहर जो शक्ति है बोलकर महसूस होता है, लेकिन स्वरूप शक्ति नहीं रहने से, स्वरूप शक्ति नहीं रहने से जिसका कोई अस्तित्व एग्जिस्टेंस नहीं रहता, इसका नाम है माया शक्ति। तो इसमें सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, सृष्टि स्थिति एवं प्रलय जिनके द्वारा सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएवो लाइक ए सैडो छाएव जस्सो विवनानी भवनानी विवर्ति दुर्गा जगत पालनकारिणी भवनानी विवर्ति दुर्गा और इच्छानुरूपमपी जस्सो चेष्टशेषा। भगवान का इंडिकेशन, भगवान का आदेश निर्देश इंडिकेशन के ऊपर जो चलती है इसका नाम है महाशक्ति। भगवान का इंडिकेशन, भगवान का इशारा पे चलने, भगवान का इशारा पे चलने वाली, भगवान का इशारे पे चलने वाली यह शक्ति सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छैव जस्व भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि जस्व च चेष्टशेषा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। स्वरूप शक्ति और चित्त शक्ति का छाया स्वरूप, स्वरूप शक्ति या तो स्वरूप शक्ति कहो स्वरूप शक्ति कहो और नहीं तो चित्त शक्ति जो भी इच्छा कहो,
सर्वशक्ति अथवा चित शक्ति छाया स्वरूपा प्रापंचिक जगत में सृष्टि स्थिति और प्रलय साधिनी माया शक्ति ही, ये माया शक्ति ही भुवन में इस जगत में दुर्गा रूप में पूजित है, जिनका सामने जगतवासी प्रार्थना करते रहते हैं, धनम देही जनम देही जशो देही दिशो जोई हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्वै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागतिनाथ परित्थान परायणे सर्वस्वार्थ हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ये सब है। सो सर्वशक्ति या तो चित शक्ति जो भी बोलो, सर्वशक्ति और चित शक्ति का छाया स्वरूपा प्रापंचिक जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय साधिनी माया शक्ति ही भुवन पूजिता दुर्गा। भगवान का इशारा पे चलने वाली, भगवान का इशारा पे चलने वाली एक दुर्गा है। आदि पुरुष वो गोविंद को मैं भजन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, जिसके प्रभाव से ये सब आए हुए। तात्पर्य ये हैं, जिस जगत में ब्रह्मा स्वयं अवस्थित होकर, तात्पर्य ये है कि जिस जगत में ब्रह्मा अपना सत्यलोक में अपना जिस जगत में ब्रह्मा स्वयं अवस्थित होकर गोलोकनाथ का स्तुति कर रहा है, इसी जगत 14 भुवनात्मक देवी धाम इनके अधिष्ठात्री देवी दुर्गा मैया इन्होंने दशकर्मा रूप दशभुजा और वीर प्रताप के द्वारा अवस्थित होकर विराजमान है, इसलिए सिंह वाहिनी। इसका बारे में दो हफ्ता पहले मैं बांग्ला कथा में चर्चा कर रहा था। देवी सिंह का ऊपर पैर रखा, मतलब रजोगुण को दबा रहा है। देवी आनंदमयी माँ कैसे हो सकता, चंडी पाठ में जो आनंदमयी माँ ऐसा बोलता है, आनंदमयी माँ बोलने से ये समझो कि ये शुद्ध सत्व अवस्था में, बाहर में जो भी हो लेकिन जोगमाया शुद्ध सत्व में, तो वही है। तो सिंह का ऊपर पैर रखा है और त्रिशूल के द्वारा असुर को मार रहा है। एक पैर सिंह को ऊपर है, सिंह असुर का ऊपर छलांग लगाकर उसको मार रहा है, मतलब देवी सतोगुण रजोगुण को डोमिनेट करे, रजोगुण तमोगुण को डोमिनेट करे। तो दशकर्म रूप दशभुज युक्ता वीर प्रताप के द्वारा अवस्थित होकर सिंह वाहिनी इनके नाम है सिंह वाहिनी, और पाप को दमन करने वाली पाप दमन रूपा महिषासुर मर्दिनी, पाप दमन रूपा ये महिषासुर मर्दिनी तमगुल को एकदम खत्म कर दे, और जितना सारे शोभा सौंदर्य शोभा और सिद्धि रूप संतानोद्वय विशिष्ट बोलकर सिद्ध ध्यान दे, देवी इज डेकोरेटेड विथ शोभा ब्यूटी एंड सिद्धि,
इसीलिए इनकी दो लड़का का नाम है, एक है शोभा रूपी कार्तिक और सिद्ध रूपी गणेश। कार्तिक और गणेश का जननी और जरई सज्ज और जर विद्या संगिनी रूप लक्ष्मी और सरस्वती जन। आई बात समझ, जरई सज्ज लक्ष्मी, जर विद्या संगिनी रूप लक्ष्मी एवं सरस्वती का मध्यवर्ती बीच में विराजमान है। पाप दमन में बहुविधो वेदोक्तो कर्म रूप विंशति अस्तधारिणी है। और काल शोभा विशिष्टा, काल के द्वारा शोभा विशिष्ट बोल के सांप, एक हाथ में सांप रखा है, सर्प शोभिनी, काल रूपा शोभा विशिष्टा, इसीलिए इसका नाम सर्प शोभिनी डेकोरेटेड विथ स्नेक। यही शकल आकार विशिष्ट दुर्गा, यही दुर्गा दुर्गो विशिष्टा, ए नाम है दुर्गा, बट इन अप्लाइड फॉर्म मीनिंग को जानना चाहो तो आएगा दुर्गो, दुर्गा गोइंग टू मेंटेन वन फोर्ड, दुर्गो फोर्ड, जिसका अंदर में जितना सारे बद्ध जीवों को डाल के उसको ट्रीटमेंट कर रहा है, इसलिए इसका नाम है दुर्गा। दुर्गा मतलब ही इज द कंट्रोलर ऑफ दुर्गो फोर्ड, जिसका अंदर बद्ध जीव को डाल के ट्रीटमेंट कर रहा है। और दुर्गो का माने कारागृह होता है, जो हम बोला जेल में डाल दिया। और ततश्च शक्ति समूह प्रसिद्ध जीव, जितना सारे जीव है ततस्ता शक्ति के द्वारा जितना सारे जीव निचय हैं, ततस्ता शक्ति प्रसूतो जीवगण कृष्ण बहिर्मुख होने से ये प्रापंचिक ये जड़ जगत का कारागारों में उसको डाल देता है, इसका नाम है दुर्ग। लेकिन जो कृष्णों का सेवा का उन्मुख होता है, वे इज वेरी मच विलिंग टू डू सर्व, टू सर्व भगवान, भगवान को सेवा करने के लिए जो तरसता है उसके लिए विचार अलग है। इसीलिए श्रीला सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर, जी ने लिखा है, कुलो देवी जोग माया मोरे कृपा कोरी, कुलो देवी जोग माया मोरे कृपा कोरी, आवरण संबिरूपे तुम्हें विश्वधरी, सुनचि आगम वेदे महिमा तुमार, श्रीकृष्ण विमुखे धरी कराओ संसार, श्रीकृष्ण सन्मुख जार भाग्य कमे हय तारे मुक्ति दिया करो अशुभ हो, निष्कपटो हे माता आम। क्या बोला है, ये बड़ा इजी है भक्ति ठाकुर का कीर्तन। कुलो देवी जोग माया मोरे कृपा करी, कुलो देवी जोगो माया मोरे कृपा कोरी, आवरण संबरी बे तुम्हें विषदोरी, सुनेछि आगम बेदे महिमा तुमारो, श्रीकृष्ण भी मुखे धरी कराओ संसारो। कृष्ण विमुखे दूरी कर श्रीकृष्ण सन्मुख जार भाग्य को में हय तारे मुक्ति दिया करो अशोक अभय, निष्कपट हे माता आमा पाने चाओ। वेरी ब्यूटिफुल, इतना सुंदर है। तो जो बद्ध जीव, जितना सारे बद्ध जीव भगवान का सेवा नहीं करना चाहता है, दे लाइक टू एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो आनंद लेना चाहता है जगत से। जो लोग आनंद लेना चाहता है जगत से, उन सभी को
हमारा मैया जेल में डालती है, बस जा जेल में, जेल में डाल के वहां ट्रीटमेंट करो। त्रिशूल मतलब ट्राइडेंट, त्रिशूल का मतलब शतो रजो तम गुण के द्वारा उसको मारो मारो, उसको ट्रीटमेंट करो। इसलिए चैतन्य चैतामित्व में लिखा है कृष्ण बुली सही जीव अनादि बहिर्मुख, कृष्ण बुली सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दय संसार आदि दु, ये बोला। ब्रह्मांड भ्रमित कोन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच, ये सब आए। ताले बहिर्मुख जीवों को जो लोग भगवान का कृष्ण बहिर्मुख होया भगवान छाकर, सब चैतन्य चैतन्य में है, कृष्ण बहिर्मुख होया भगवान छाकर निकटस्थ माया तारे जापटाइया धरे, निकटस्थ माया तारे जापटाइया माने एकदम लपेट में ले लेता, अपना लपेट में ले लेता, क्योंकि कृष्ण विमुख है। लेकिन कृष्ण सन्मुख को जिस जिसका अंदर में भक्ति है, भगवान का सेवा करना चाहता है, उन लोगों के लिए कोई मायादेवी कुछ नहीं करती, मायादेवी उन लोगों को छोड़ देता, जा 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 भगवान का ऊर्जा, तारे मुक्ति दिया करो अशोक को अभय, उनको छोड़ देती देती है, जा 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 आगे चल कोई बात नहीं, ऐसा करके आगे छोड़ देती। तो बहिर्मुख जीवों के लिए जिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू प्यूरिफाई देम, ये तो भगवान का ही सेवा है, ये तो भगवान का दिया गया सेवा ना। बहिर्मुख जीवों का प्रति ऐसा मापिक प्यूरिफिकेशन प्रोसीड्योर, आई मीन टू गिव पनिशमेंट टू देम टू प्यूरिफाई देयर हार्ट, साधन प्रणाली विशिष्ट कार्य गोविंद का इच्छा का अनुसार ये करती है। इनके अपना कुछ नहीं, गोविंद का इशारा पे चलती है इच्छा रूप कर्म, और दुर्गा यही निरंतर संपादन करती हुई विराजमान है। बहु भाग्य से अहो भाग्य से अहो भाग्य से जब साधु संघ में जीवों का अंदर में जब बहिर्मुख भाव भग जाता है, अंतरहित हो जाता है, एवं जब अंतर्मुखता, अभी है बहिर्मुख भाव, अंतर्मुखी भाव उदित होता है, तो बाहरी ये पांचाल क्षेत्रों शब्द स्पर्श रूप रस गंधों का ये जो ये जो जड़ जगत का आनंदमय जो व्यवस्था है, ये पांचाल क्षेत्रों पाया पांचाल क्षेत्रों शब्द स्पर्श रूप रस इसमें रमन करने के लिए इधर उधर भागादूरी कर रहे। जब भागादूरी खत्म हो तब भजन होता है। सौभाग्य के द्वारा जब साधु संग में जीवगणों का अंदर में जब वही बहिर्मुख भाव एलिमिनेट हो जाता है, भग जाता है, एवं अंतर्मुखी भाव का उजागर कर देता है, अंतर्मुखी भाव जब उदय हो जाता है, तब फिर ये देवी माँ फिर गोविंद ये देवी माँ गोविंद का इच्छा का अनुसार दुर्गा ही उसी जीव को मुक्ति कर देती है। बोले जा तू भगवान का ओर जा, वही जीव को मुक्ति का कारण बन जाती है। सो अंतर्मुख भाव देखने के कारण अंतर्मुख भाव अगर किसी का अंदर में देखा गया, अंतर्मुख भाव देख के करा करती जेलर माता जी
जेल में डाल देती है अंतर्मुख भाव देखैया काराकृति दुर्गा के विष्ट क्रिया तर सो अंतर्मुख भाव दिखाकर अंतर्मुख भाग देवी मैया मेरा बहिर्मुख भाग चला चली गई और अंतर्मुख भाव दिखाकर कारा करती जेलर दुर्गा देवी तो दुर्गा देवी को परिदृष्ट करके इनके निष्कपट कृपा लाभ करने के अलावा कोई रास्ता खुला है नहीं, यही चेष्टा करना उचित है। धन धान्य पुत्र आरोग्य है शत्रु दमन बड़ा ऐश्वर्य नाम पोजीशन ये सब देवी का पास मिलता है, ये मिलती है, लेकिन फिर भी ये सब मांगना उचित नहीं है। धन धान्य पुत्र आरोग्य प्राप्ति ये सब पर बेनेडिक्शन के दारगा ये सब आशीर्वादों को दुर्गा देवी का मैया का कपट कृपा बोल के जानना उचित है। सुख संपत्ति आए घर का कष्ट मिटे तन का जय जगदीश्वर सब कपट है। ये सब धन धनम देही जन्म देही है जशो देही दिशो जोही ये सब जो है कुछ नहीं, ये 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 भगवान का इशारा का अनुसार देवी मैया चीट करने के लिए बैठी हुई है। तो निष्कपट होके इनके पास कृपा भिक्षा निष्कपट कृपा भिक्षा करना उचित है। धन जन धनो पुत्रो आरोग्य इत्यादि दुर्गा मैया का कपट कृपा, ये दुर्गा मैया का वंचना कपट कृपा है। यही दुर्गा देवी ही दशो महा विद्या रूप में प्रापंचिक जगत में कृष्ण बहिर्मुख जीवों का अंदर में जरो आध्यात्मिक लीला विस्तार करती है। याद है ना दशो महाविद्या धूमावती दुर्गा कत्तायनी कमला बहुत सारे हैं, वो है ना है धूमावती बहुत सारे ये दशो महाविद्या ये यही दुर्गा दशो महाविद्या रूप में प्रापंचिक जगत में कृष्ण बहिर्मुख जीवों को जोड़ियो आध्यात्मिक लीला विस्तार करती है। ये जोड़ियो आध्यात्मिक माने ये प्योर आध्यात्मिक नहीं है, आई बात समझ में? हाँ, जीव का परिचय क्या है? जीवे स्वरूप है किशन नित्यदास। अच्छा, जीव का दूसरा परिचय है ये चिन्मय है, जीव चित्कन स्वरूप, चित्कन स्वरूप चिन्मय, पहले भी बताया कई बार, जीव का अंदर में नित्तो जीव चिन्मय ज्ञानमय आनंदमय प्रकाशमय सारे, जैसे जैसे भगवान का अंदर में इसका अंदर सेम थी है, चिन्मय जड़ नहीं है चित वस्तु, लेकिन फर्क इतना ही है ये क्षुद्र है अनु परमाणु का मग और भगवान विभु यही पार्थक्य है, लेकिन क्वालिटेटिवली ऑल द सेम। आत्मा का स्वरूप विचार करो तो विचार करने से देखा जाएगा एक ही है भगवान के साथ, क्वालिटेटिवली एक ही है। जीव चित्कान स्वरूप, इनके बहिर्मुख भाव होना नहीं चाहिए, क्यों हुआ है? इनके बहिर्मुख भाव होना बिल्कुल निषेध है, लेकिन हुआ है, निषेध कौन मानेगा? क्योंकि जीव तो चिन्मय है और चेतन धर्म है,
अपना अपना स्वतंत्रता है, तो कौन किसको माना करेगा? सो ए बहिर्मुख दोष के द्वारा कृष्ण बहिर्मुख होया भगवान छा करे चैतन्य चैतन्य है कृष्ण बहिर्मुख होया भगवान छा करे कृष्ण बहिर्मुख होया भगवान छा करे निकटस्थ माया तारे जपटाइया धरे निकटस्थ माया तारे जपटाइया धरे कृष्ण बहिर्मुख होया भगवान छा करे निकटस्थ माया तारे जपटाइया धरे लपेट में ले लेता है। हाँ ऐसा ही है। तो कृष्ण बहिर्मुख क्यों हुआ है भाई? अनादि है। कब कृष्ण बहिर्मुख हुआ कोई ठिकाना नहीं। इसका कोई ठिकाना नहीं है। क्या करें? अनादि कर्म फले परिभवार नवजले तोरीबारे नादे की उपाय। अनादि कर्म फले परिभवार नवजले तोरीबारे नादे की उपाय। ए विषय हला हले दीवानिशी हिया जले मन कबू नहीं पाए। ये है ये बहिर्मुख कृष्ण बहिर्मुख दोष के कारण ये माया जगत में माया का आकर्षण शक्ति के द्वारा विक्षिप्त हो गया। जीव को ततस्थ शक्ति माना गया। एक तरफ जर जगत का आनंदमय विलास, दूसरी तरफ चिन्मय जगत का सेवा का विलास। अब जीव का तकदीर देखो वो किस तरफ जाए। ततस्थ शक्ति है, इस तरफ देख रहा है माया का आनंदमय विलास और उस तरफ देखता है चिन्मय जगत का सेवामय विलास। और जीव स्वतंत्र है अगर माया का ओर जाए बोले ठीक है जा तेरा इच्छा। तो जीव चित्कन है, इनके अंदर में कृष्णो बहिर्मुखता दोष होने से ये माइक जगत में माया का आकर्षण शक्ति के द्वारा विक्षिप्त हो जाता है, गिर जाता है। माया देवी इसको लपेट में लेती है। विक्षिप्त होने का साथ साथ दुर्गा देवी इनको कैदी का पोशाक, इनको कैदी का कपड़ा चुपड़ा पहनाकर, कैदी का कपड़ा चुपड़ा मतलब क्या है सुनो, कैदी मतलब ये भगवान को माना नहीं, सेवा नहीं किया, ये कैदी बन गया। किसका कैदी? दुर्गा देवी इसको कैद में डाल देगा, कैद कर देगी। इनके पोशाक क्या है? बोले पोशाक कुछ नहीं, ये जो शरीर है जड़ शरीर है, जड़ शरीर के द्वारा जो टाइटल है, हम साइंटिस्ट है, हम डॉक्टर है, मास्टर है, ये जो टाइटल है, हम पिता है, हम स्वामी हैं, ये जो टाइटल है ये है ये कपड़ा चुपड़ा पोशाक, ये डेकोरेशन। ये डेकोरेशन अगर नहीं रहे, वो अपेरेंट डेकोरेशन, ये डेकोरेशन रहने से तो जड़ जगत में बड़ा अच्छा डेकोरेशन रहना ही चाहिए ना, क्या करें। कृष्ण ये तो कि कैदी का पोशाक लगाकर पंचभूत पंच तन्मात्र के द्वारा एकादश इंद्रियों युक्त एक स्थूल शरीर में आबद्ध करके कर्म चक्र में फेंक देती। अनादि कर्म फले पवि भवार नवो जले हैं, ये जो कीर्तन है ये तो कर्म चक्र में निक्षेप कर देती है और जीव
जीव ये कर्म का चक्का में पीस कर घूमते घूमते टर्बुलेंट जीव इसमें घूर्णायमान एकदम घूमते रहते हैं। जीव ये कर्म चक्र में भ्राम्यमान होते हुए कभी सुख कभी दुख कभी स्वर्ग कभी नरक इत्यादि कभी मान अपमान ये सब भोग करते रहते। कहू राजा कभू प्रजा ये चैतन्य चैतन्य है, ये जीवों का ये हालत है। एतद व्यतीत ये छोड़कर स्थूल शरीर का अंदर में मनोबुद्धि चित्त अहंकार रूपी एक लिंग शरीर विराजमान है जो दिखाई नहीं पड़ता। बाहरी विचार के अनुसार दिखाई नहीं पड़ता। जीव जन्म जन्म चक्का करते हुए जीव एक स्थूल शरीर त्याग कर दूसरा शरीर को ग्रहण करता है। जीव एक स्थूल शरीर परित्याग करके दूसरा एक शरीर सूक्ष्म बौद्ध लिंग देह दूसरा एक शरीर को आश्रय लेता है। मुक्ति ना होने तक जब तक मुक्ति ना मिल जाए जीवों का अविद्या का दुर्वासनामय लिंग शरीर कभी भी हटता नहीं, लिंग शरीर रहता ही है। भक्तिविनोद और कीर्तन में लिखा है जयो जयो हरि नाम चिदानंदो मितो धाम पर तत्व अकरो या करो जयो जयो हरि नाम चिदानंद मितो धाम पर तत्व अकरो या करो निज जने कृपा करी नाम रूपे अवतरी जीवे दया करिले अपार जयो कृष्ण हरि नाम जग जन सुविश्राम सर्वजन मनसरंजन। इसी कीर्तन में आगे चलकर लिखा हुआ है तब अल्प स्फूर्ति पाए उग्र ताप दूरे जाए लिंग भंगो हयनयासे। क्या बोला तब अल्प स्फूर्ति पाए उग्र ताप दूरे जाए लुंग भंगो हयनयासे। भगवान का नाम का जरा सा भी स्फूर्ति हो जाए अंतर में बस हो गया मालामा। जब जरा सा भी भगवान का नाम का स्फूर्ति हो जाए तब उग्रता भयंकर जलन संसारता है नौ ये जो जल रहा है इसका समाप्ति का ओर चलता है और लिंग शरीर को रैप्चर लिंग भंग है यना से लिंग भंग को एकदम चूर चूर करके। क्योंकि जब तक लिंग शरीर को चूर चूर नहीं करोगे तब तक तो आपका पुनर्जन्म इनेविटेबल ये होना ही है, किसी बाप का हिम्मत नहीं रोके। तब वो अल्प स्फूर्ति पाए उग्र तापो दूरे जाए लिंग भंगो हय अनयासे। देखो लिंग शरीर को चूर चूर करना है, लिंग शरीर को चूर चूर करना है। जब तक लिंग शरीर को चूर चूर नहीं कर सकोगे तब तक कोई समाधान नहीं।
तो फिर कृष्ण बहिर्मुख होने से इसी दोष के कारण ये माया देवी माइक जगत में माया का आकर्षण शक्ति के द्वारा विक्षिप्त कर देती है और जीव विक्षिप्त हो जाता है। और विक्षिप्त होने का साथ साथ दुर्गा देवी इनको अपना कैद में डालना चाहती है, लेकिन उसका पहले एक कपड़ा चुपड़ा दे देता है, ड्रेस, कैदी का भी ड्रेस रहती है ना, रहता है, दे देता है कैदी का पोशाक और ये पांचभौतिक शरीर और पंचतन्मात्रो एवं एकादश इंद्रियों युक्त एक स्थूल शरीर में आबद्ध करके इनको ये जीवात्मा को कर्म चक्र में डाल देती है। और जीव इस कर्म चक्र का टर्बुलेंट उसमें घूमते घूमते पक्का पागल हो जाता है, कभी सुख कभी दुख कभी मान अपमान कभी सरक कभी नरक, कहाँ जाए कोई ठीक नहीं, राम 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 ये भोगते रहते हैं। इसके अलावा स्थूल शरीर का अंदर में मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी एक लिंग शरीर विद्य रहता ही है, जिसका नाम है कारण शरीर। कारण शरीर द रीजन फॉर व्हाई यू आर बाउंड टू टेक अ सेकेंड बर्थ और दिस बर्थ, इसका नाम कारण, द रीजन कारण शरीर, वो जुमा है, ये सूक्ष्म शरीर ये जुमा है, मेरे को दूसरा जोनी में डालने के लिए यही जुमा है। सो मन बुद्धि अहंकार रूपी एक लिंग शरीर दे देती है, जीव एक स्थूल शरीर त्याग करके उसी सूक्ष्म बत लिंगो देह में दूसरा स्थूल शरीर का अंदर में प्रविष्ट हो जाता है। मुक्ति ना होने तक जीवों का अविद्या दुर्वासना मैं क्या बोला मुक्ति ना होने तक जीवों का अविद्या दुर्वासना मय लिंग शरीर छूटता नहीं किसी भी हालत से। और जो पद्धति मैंने बताया गुरु वैष्णव का अनुवर्तन में हरिनाम संकीर्तन करते करते तब अल्पो स्फूर्ति पाए उग्र तापो दूरे जाए लिंग भंगो नया से, भगवान का नाम का जारा से भी स्फूर्ति हो जाए लिंग शरीर रैप्चर हो जाता है एकदम चूर चूर। ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये लिंग शरीर भग जाने से लिंग शरीर खत्म होने से उसके बाद ये जीवात्मा बिरजा नदी में स्नान करेगा। जीवात्मा को इसको स्त्रीलिंग बोला जाए, जीवात्मा तो शक्ति का अंश है ना, तो इसको स्त्रीलिंग बोला जाए, लेकिन बड़े बड़े आचार्य लोग इसको पुंगलिंग यूज किया है, हमको मालूम नहीं क्यों किया। ये तो तत्वस्था शक्ति का अंश है, शक्ति मतलब स्त्रीलिंग, लेकिन कई सारे आचार्य जो मैंने देखा है पुंगलिंग यूज किया, क्यों मालूम नहीं है किस लिए। तो ये लिंग शरीर दूर होने का बाद खत्म होने का बाद ये जीवात्मा बिरजा नदी में स्नान करेगी। स्नान करके जीव ब्रह्मलोक को काटकर भगवत धाम हरिधाम में पहुंचेगी। लिंग देह शरीर होने से जीवात्मा बिरजा नदी का माने क्या है, बिरजा चिन्मय जलराशि, बिरजा कोई जगत का नदी नहीं है, बिरजा चिन्मय जलराशि। ये बिरजा में है, नहाने का मतलब क्या है, बिरजा माने विगतो रजा, अर्थात जरा सा भी कोई अभिमान नहीं रहे, मैं मेरा, अर्थात
रजा रजोगुण खत्म, वो बिल्कुल खत्म, एकदम खत्म। इसको नहला के साबुन फाबुन देके, जैसे जी आप लोग नहाते हो ना, शरीर का जितना सारा मैल मैल को हटा, ऐसा ही है वो जीवात्मा। अंतिम में जब कारण शरीर को खत्म कर दे, कारण शरीर अगर भग जाए, दूर हो जाए, तो इसका बाद जीवात्मा बिरजा नदी में, बिरजा नदी में, चिन्मय नदी, बिरजा अनंत बिरजा नदी, ये नदी में स्नान करते हुए अपना जितना भी मैल है उसको बिरजा नदी के नहा के खत्म करने का बाद वो जीव हरिधाम में प्रविष्ट होता है। हरिधाम मतलब वैकुंठ धाम में प्रविष्ट होता है। और ये जो सारे क्रियाक्रम है, ये जो देवी मैया, ये जो हमारी देव हमारा ये जो देवी मैया, ये जो तरह तरह का सेवा करती है, ये सेवा किसके आदेश का अनुसार, भले इच्छानुरूपम पी चेष्टते सौ सौ चेष्टते सा इच्छानुरूपम पी जो सो चेष्टते सा, अर्थात भगवान का इशारा पे चलती है। भगवान का इशारा पे चलने वाली इतना सारे कर्म करके फिर भी भगवान का सामने आने में शर्मिंदा होती है, सर झुकाने वाली, क्योंकि मैं हे ठाकुर ये आपका ही सेवा है, फिर भी इतना घट इतना सेवा ऐसा है कि जिसमें मैं शर्मिंदा हो गई, क्योंकि जितना सारे जीव है, बदियों को पकड़ के लाओ, जेल में डालो, मारो पीटो, फिर उसको भगाओ, ये क्या है। इसीलिए बिलज्जमानया जशो स्थातुम इच्छा पथे अमुआ, शर्मिंदा के कारण देवी मैया भगवान के आमने सामने आने में शर्मिंदा होती है, आती नहीं है, भगवान का सामने आता नहीं, बिल्कुल आना नहीं चाहता है, क्या करे। अभी भगवान का सामने बिल्कुल आना नहीं चाहती है, क्या करे। और हमने बताया था वैष्णव जी का बारे में, अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायांच तदपाश्रयम, ये भी बताया था हमने। वैष्णव जी भक्ति योगे न मनुष्य प्रणीत अमले, भक्ति योगे न मनुष्य परिणीत अमले, अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायांच तदपाश्रयम, नारद जी का आदेश के द्वारा भक्ति विभावित तो हृदय में डुबकी लगाकर बाद में भगवान को दर्शन किए व्यासदेव जी, और इनके पीछे माया देवी सर झुकाकर विराजमान दिखाई पड़ी। अब क्या करें, बिलज्जमानया जस्सो स्थातुम इच्छा पथे अमुहा, भगवान का नजर का सामने आने में शर्मिंदा होती है देवी। क्या बताया, बिलज्जमानया जशो स्थातुम इच्छा पथे अमुया विमोहिता विकथन्ते ममाहो मीति दुर्धियो, मैं मेरा ये विचार के द्वारा दूषित जो विमोहिता आत्मा ये जीवात्मा, बिलज्जमानया जशो स्थातुम इच्छा पथे अमुहा, विमाहिता विकथन्ते ममाहम इति दुर्धियो, यही भगवत भजन के द्वारा बहिर्मुख
जीवों का साथ दुर्गा का संबंध निर्णय किया गया। संबंध गण में ढेर सारे वस्तु आता है, भगवान कौन है, मैं कौन हूं, भगवान का साथ मेरा क्या संबंध है, भगवान का माया सुना है, एक माया है, माया का साथ मेरा संबंध क्या है, माया का साथ भगवान का संबंध क्या है, इस जगत का साथ मेरा क्या संबंध, सारे गुरु का साथ क्या संबंध, सारे ये सारे सब संबंध ज्ञान का अंदर में आता है। यही भागवत वचन का अनुसार जो बहिर्मुख जीवों का साथ दुर्गा देवी का संबंध निर्णय किया गया। इस जड़ जगत में जो दुर्गा देवी का पूजा होता है, यही दुर्गा, यही वही दुर्गा जो विमुख व्यक्तियों को जेल खाने में डालती है, किंतु भगवत धाम, किंतु लेकिन भगवत धाम का आवरण में जो दुर्गा देवी है, ये इसके जासी रूप में भगवत धाम में आवरण में जो मंत्रोमयी दुर्गा आवरण, ये चिन्मयी कृष्णदासी जोग माया छाया दुर्गा इनके दासी, इनके दासी का रूप में जगत में विराजमान है। क्या करे, यही नियम है। तो बड़ा सुंदर विचार है, ये सब नहीं समझने से कभी भी भक्ति का प्राप्त, भक्ति प्राप्त बहुत मुश्किल है। सृष्टि स्थिति पोल सदन शक्ति रेखा छाए जस्व भुवना विवर्त दुर्गा इच्छानुरूपम अपि जस्योच चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, ये सब चर्चा का विषय है। दुर्गा देवी जिसका बारे में भक्तियों ठाकुर जी ने बताया, कुलो देवी जोगो माया मोरी कृपा कोरी आवरम संबरुवे तुम्हें विश्वधोरी। देखो इसका अंदर में सारे मीनिंग है, भक्तिमन ठाकुर जी ने कीर्तन लिखा है ना, सब इसका अंदर में क्या बताया, कुलो देवी जोगो माया मोरी कृपा, कौन सी कुल, गुरुकुल, गुरु का खानदान, सभी जोग माया राधा रानी का पक्ष में है, तो ठीक ही बताया भक्तिमन ठाकुर। तो कुलो देवी आप मेरा गुरु का खानदान का परंपरा का आप ही हो अधिष्ठात्री देवी, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बहुत बार बताया ये वास्तविक शाख तो हम लोग हैं। जर्जगत का जो आदमी जो दुर्गा काली का आराधना करके अपने को हमारा शक्ति पूजा है, हम शाख तो है कहते हैं ना, लेकिन ये लोग असली शाख तो नहीं है। ये लोग विचार करके देखो तो ये लोग विचार करके देखो जो शाक्तो, तो ये लोग शाक्तो है लेकिन असली शाक्तो नहीं, नकली, ये लोग नकली शाक्तो है, हम लोग असली शाक्तो है। क्योंकि राधा रानी भगवान गोविंद से अभिन्न है, शक्ति, शक्ति का उपासना जो करे वो शाक्तो है। तो असली विचार का अनुसार हम लोग ही साक्त है, वो लोग वास्तव साक्त नहीं है। आई बात समझ में, पोपात कहते थे अरे हम लोग तो असली साक्त है, आप लोग तो साक्त नहीं है, आप लोग क्या, तो भक्ति में ठाकुर ठीक ही बोला। तो कुलो देवी जोग माया, हे कुल देवी जोग माया मोरे की पाकोरी आवरण संग, ये तो है, और दूसरा जगह ये तो बोला कुलो देवी जोग माया मोरे की पाकोरी, कुलो देवी कुल का देवी जोग माया, और हमको कृपा करके हमारा आंखों का ऊपर से पर्दा हटा लो, माया का पर्दा, कृपा करके कुलो देवी जोग माया मोरे की पाकोरी आवरण संगीर्वे तुम्हें विश्वधोरी। और सुना है आगम वेदों में
आगम निगम हर जगह आपका महिमा सुने हैं। भक्तिमंत्रो कह रहे सुने छी आगम वेदे महिमा तुम्हार, आपका महिमा खूब सुना है। और मैंने ये सुना है जो कृष्ण का विमुख है, भजन करना नहीं चाहता है, श्री कृष्ण विमुख देरी कराओ संसार, तुम जेल खाने में डाल देते हो और ट्रीटमेंट करती हो। सुना जागो मेरे महिमा तुम्हार, श्री कृष्ण विमुख देरी कराओ संसार, और अहो भाग्य के अनुसार अगर किसी का जिंदगी में कृष्ण का सन्मुख हो, भगवान का भजन करना चाहता है, उनको आप कृपा करके भगवत भजन में लगा देती हो। श्री कृष्ण सन्मुख हो, श्री कृष्ण सन्मुख हो, जार भाग्य को में हो तारे मुक्ति दिया करो अशोक हवा, इनको आप मुक्ति दे देती हो और कृपा करती हो, तारे मुक्ति दिया करो अशोक हवा। अशोक माने अशोक, उसका अंदर में टेंशन कोई जलन सब सारे खत्म। अशोक अभय, अभय माने फियरलेस। अशोक अभय अमृत याधार तुम्हारो चरण दयो ताते एखनो विश्राम लोबिया छरिनु भवेरो भयो। कितना सुंदर सुंदर कितना है बताओ, कितना सुंदर सुंदर कितना है। तो श्री कृष्ण सन्मुख को जार भाग्य को में हो तारे मुक्ति दिया करो अशोक भय, निष्कपट हो माता वहां पर जाओ मैया हमारा ऊपर निष्कपट कृपा करो, निष्कपट कृपा करो, निष्कपट हो माता वहां पर जाओ निष्कपट, निष्कपट कृपा करो, ये हमारा प्रार्थना रहा। आगे भगवान का मर्जी है, ये हमारा आरजी, आगे भगवान का मर्जी, अब देखे भगवान क्या करे। आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम देना जरूरी है, समय कम होने के कारण क्षमा करे। एवं जनम निपतितम प्रभवाहि कूपे कामाभिकामम अनु या प्रपतनो प्रसंज्ञा कृत्वात्मशात सुरर्षिना भगवान गृहीतः सो अहम कथम नु विश्रीये तब अभिहित सेवाम वांछ कल्पतरुष्य कृपा सिंधु पतितानं पावन भो वैष्णवभ्यो नमो नमः।